बेशक हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल को मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिल गया हो, लेकिन अस्पताल में सुविधा होने के बावजूद पर्याप्त स्टाफ का टोटा होने के चलते मरीजों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। यूं तो हर मंगलवार को अस्पताल में गर्भाशय से संबंधित पैप्समीयर टेस्ट करवाए जाते हैं और ये सुविधा हमीरपुर अस्पताल में करीब 10 सालों से चली आ रही है, लेकिन कुछ समय से ट्रेंड नर्स को सहायता के लिए कोई भी पर्याप्त कर्मचारी नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण न सिर्फ मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपितु नर्स को भी मरीजों के टेस्ट करने में दिक्कतें पेश आ रही है। टेस्ट करवाने के लिए इंतजार कर रही महिलाओं ने बताया कि सुबह से टेस्ट के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कभी नीचे के कमरे में भेजा जा रहा है तो कभी ऊपर की मंजिल के लिए भेजा जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि सुबह 9 बजे से टेस्ट के लिए बैठे हैं, लेकिन दोपहर बाद तक भी टेस्ट नहीं हो सके हैं। मरीजों ने बताया कि लेबोरेटरी में भी आधा अधूरा सामान दिया जा रहा है और टेस्ट रजिस्टर को भी देखकर कहा गया कि खुद ही सारा काम करवाओ। उन्होंने बताया कि कर्मचारी की कमी से मरीजों को ही खुद टेस्ट के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। पता नहीं है वो कहाँ गए, किस चीज के टेस्ट के लिए आए थे आप? ये टेस्ट क्या एंट्री सामान दे दिया ना, पहले इन्होंने बोला गर्म करके ले आओ, इनका काम है, हमारा काम नहीं है। फिर नीचे भेज दिए हैं, पता नहीं अब कहाँ है बैठे हैं। कितनी देर हो गई आपको? बस सुबह के आए हैं, पर 9 बजे के बैठे हैं, काफी टाइम हो गया, 11 बजे। हाँ फिर बंद कर देंगे। क्या टेस्ट करवाना है आपको? हाँ टेस्ट आया है। क्या बोला क्या आपको? जब नीचे गए बोले नीचे से सामान लाओ, फिर उधर से किसी फिर गई है लड़की, उधर नीचे गई है। टेस्ट नहीं हो पाया अभी तक? अभी तक टेस्ट। गौरतलब है कि महिलाओं के लिए गर्भ से संबंधित विभिन्न रोगों की जानकारी के लिए पैप्समीयर टेस्ट बेहद आवश्यक माना जाता है। ऐसे में हमीरपुर अस्पताल में ट्रेड नर्स होने के बावजूद भी पूरा सहयोगी स्टाफ नहीं होने से मरीजों के टेस्ट में देरी हो रही है। वहीं हमीरपुर मेडिकल कॉलेज तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन चिकित्सकों की कमी और स्टाफ की तैनाती न होने से परेशानियां बढ़ रही हैं, जिसको दूर करना मेडिकल कॉलेज प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर बना हुआ है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।